क्या कहना है? ये बड़ी दर्दनाक घटना है जो खजूरी गांव में की गई है दीपक के साथ। ये दीपक के साथ नहीं है, ये हमारा बच्चा था, हमारा भाई था। ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक चुनौती है और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, पूरे समाज के साथ है। जो भी गुनहगार इसके पीछे हैं, सबको पकड़ करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री जी, परिवार की क्या मांगे हैं? आपने किस तरह से आश्वासन दिया है इनको, किससे मिलवा कर लाएंगे आप? परिवार ने को साथ लेकर के जाएंगे। जो परिवार की मांगे हैं, उनकी 5 मांगे हैं, जो मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसको बताई जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे परिवार को मिला करके इनकी समस्या का सोल्व किया जाएगा। और जो भी समस्याएं हैं और जो मुलजिम है इसके अंदर, वो जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे हो। मंत्री जी, 27 सितंबर को आप कितने संतुष्ट हैं पुलिस से? मैं पुलिस से कोई संतुष्ट नहीं हूँ। जो ये खुलासा हुआ है उसमें पुलिस ने अपराधियों को बचाने का काम किया। 1 करोड़ मुआवजे की और 1 सरकारी नौकरी की परिवार की मांग है। इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, मैं प्रतिनिधि हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे परिवार को ले जा करके जो इन्होंने मांगे रखी हैं उसको ले जाकर के उनसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको मिलना चाहिए। मेरठ के बाद बुलंदशहर में सर काटने का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? ये चलन शुरू हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर? ऐसा नहीं है। आपने को पता है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर श्री योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, 2014 से पहले क्या इतिहास था ये आपको पता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा साफ हो गया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इसमें गिरावट आई है और ये जो घटनाएं हुई हैं, ये घटनाओं का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। क्या अधिकारी ने गलत खुलासा किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई के लिए? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी बिल्कुल। क्या ये 24 घंटे का वक्त बीत चुका है धरने को, आगे भी जारी रहेगा? इस बारे में कोई बात? अभी इसके बारे में मैं धरने की कोई बात नहीं करूंगा, ये समाज के लोग तय करेंगे। मेरा काम है इनको न्याय दिलाना, मैं न्याय दिलाने की तरफ हूँ। मंत्री जी, धरना चल रहा है 24 घंटे से ज्यादा, आप लोग क्या आश्वासन? ये बड़ी दुखद घटना है मेरे क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। जो ये घटना हुई है उसमें जो अपराधी पकड़े गए हैं, उसके अलावा भी जो बचे हैं, उसको एक एक को चुन करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। भाई, आप क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? कोई पुलिस की कार्रवाई मैं असंतुष्ट हूँ बिल्कुल। इसमें 6-7 लोग हैं कम से कम, वो बिल्कुल ऐसी, एक व्यक्ति ये कांड नहीं कर सकता, एक व्यक्ति की गर्दन नहीं उतार सकता। इसमें पूरी इनकी एक मेजोरिटी है 6-7 लोगों की जिन्होंने घटना की है। जो भी डिमांड इन्होंने रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराएंगे, इनकी बात कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से ले जा करके, और जो भी संभव